लीडर्स हैं। हम लोग कैसे गेम खेलेंगे जिसमें हम लोग को 100 लोग को जान से मरना होगा? और अगर नहीं मारा तो हम मर जाएंगे। और सबसे पहले हमें इन अंकल को मारना है। फिर इसके अच्छे से इसको काट देते हैं। अरे ये पानी से कैसे मरेंगे अंकल? अरे नहीं, ये देखो अंकल को तार से करंट लग गया है। अरे वाह इन अंकल जी की तो आत्मा निकल आई है, तो मर गया। या लीजिए बाबा जी आपकी पहली आत्मा। इस लेवल में आंटी जी गाड़ी चला रही हैं। अरे एक बार आंटी जी का मुंह तो देखो। मुझे लग रहा है कि हमें इस लेवल पे इनका एक्सीडेंट करना है। अरे इतना क्या सोच रहे हो बड़ी आईब्रो वाले बच्चे, इसको आगे रखो, इनका एक्सीडेंट हो गया। आंटी ने तो रोक लिया, फिर से करते हैं। रख दिया, गिर गए। अरे ये क्या, इनके डंडा घुस गया, मर गए। ए बुड्ढे तलवार वाले, आ जा ले जा इसका। सर इन्हें ऐसे मत बोलो वरना अगला ऑर्डर तुम्हारा ही होगा। चलो दोस्तों ये है अगला लेवल और इसमें एक सांड है जो कि खाना खा रहा है और एक अंकल यहाँ पर पेंट भी कर रहे हैं। अरे अरे मुझे एक चीज पता है, इस सांड को लाल कलर देख के बहुत गुस्सा आता है। और यहाँ पीछे लाल कलर भी रखा है, ये लीजिए अंकल पेड़ पर लाल करिए। अरे बसाओ तुमने तो इनके ऊपर ही डाल दिया, और सांड तो पागल हो गया, उसने तो मार दिया इन्हें, ये और ये मर गए। आ जाइए भूचा, चले जाइए अपनी लाश को। चलो चलते हैं अगले लेवल में। इसमें हमें एक छोटे से बच्चे को मारना है जो कि अपनी छुक छुक ट्रेन से खेल रहा है। अरे इस खिलौने से बच्चे को कैसे मारे? लड़के तुम छुक छुक ट्रेन से मत खेलो, जाके कुछ और खेला था इसका। अरे तो फिर से ले आया। अब देखना मैं क्या करता हूँ, इसको उठा के उसके ऊपर रख देता हूँ, तुम वहाँ तक जा ही नहीं पाओगे। मुझे इसकी मौत होने वाली है, क्या कर रहा है? तुम स्पाइडरमैन थोड़ी ना बेटा, गिर गया बेचारा, मर गया। बाबा जी आत्मा ले लीजिए बच्चे की। चलो चलते हैं अगले लेवल में। इसमें एक बच्चा खेल रहा है। दोस्तों अगर ये तीर इसका इस मधुमक्खी के छत्ते में लग जाए ना, तो इस आदमी की मौत हो सकती है। मधुमक्खी इसका काट काट के चूरमा बना देंगी। अरे तो इस पत्थर को उठा के यहाँ पर रखते हैं और ये नीचे हो जाएगा। एकदम सही निशाने लगाना आपकी बार। जल्दी मारो जल्दी मारो। इसको इतना काटना कि इसकी आत्मा बाहर निकल आए। ये लो अपनी आत्मा। और यह अगला लेवल, इसमें एक आदमी गाड़ी के पीछे बैठा है। अरे तो कोल्ड ड्रिंक पी रहा है। रुको मैं ऐसे कोल्ड ड्रिंक पिलाता हूँ। बच्चा इधर आ, कोल्ड ड्रिंक पिया, नीचे गिर जाओगे, इसको उठाते उठाते। मेरी बस इसके दो आधे टुकड़े हो गए। हाँ मैं ये नहीं करना चाहता था दोस्तों। मुझे लगा था कि इसकी आत्मा भी आधी होगी। ये वाला लेवल तो कुछ ज्यादा ही आसान लग रहा है देखने में। पीछे एक पत्थर है, बस इसको हटाना है, खुद ही गिर जाएगा। अरे लेवल तो बोने अकेले ही कर दिया। अरे इतना बड़ा तरबूज है जैसा मुंह है, तो उसके अंदर दिमाग भी होगा बड़ा, तभी कर लिया। वैसे आप इन आत्माओं का क्या करेंगे बाबा जी? इस लेवल में अंकल जी टीवी देख रहे हैं। और ये चेयर पे कैसे नाच रहे, चलो इनको नीचे गिरा देते हैं। अरे दोस्तों मुझे नहीं देखना, चलो चैनल चेंज करता हूं। ये लो रिमोट। अंकल जी तो भूत वाला चैनल देख के गिर ही गए। अरे रिमोट तो इनके मुंह के अंदर घुस गया और ये मर गए। कितनी डरावनी मौत थी। चलो आजा बेबी डॉल, बेबी डॉल अपनी आत्मा को ले जाओ। आपसे इनका नाम है बेबी डॉल। ये अगला लेवल और ये आंटी जी पता नहीं इतने पास से कार स्टंट को देख रही हैं। अरे तो बहुत खुश हो रही हैं। चलो ये इनका आखिरी स्टंट होगा। चलो यहाँ पर ऑब्स्टिकल लगा देते हैं, अब तो ये कार सीधन के ऊपर ही गिरेगी। अरे क्या कार तो पलट गई और इनके ऊपर गिर गई और ये मर गए। चलो आजा बेबी डॉल। अरे क्या दोस्तों इन आंटी के घर से तो बहुत तेज तेज आवाज आ रही है ऊपर से। अरे तो क्या करें दोस्तों। अरे आंटी जी चुप मत रहिए, ये लीजिए डंडा और मारिए ऊपर। आंटी जी बहुत बढ़िया, ऊपर वाले लोग शांत हो चुके हैं। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग को तो इनको मारना है। अरे उधर से तो बहुत तेज आवाज आने लगी। अरे बाप रे, ओह माय गॉड, आंटी जी का तो सत्यानाश हो गया। आंटी जी तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर गए। हाँ जा बेबी डॉल, ले जाओ आत्मा। अरे दोस्तों इस लेवल में ये दीदी पैराशूट से ऊपर जानी है, लेकिन इनके पैराशूट पे कुछ चढ़ गया। ये लीजिए इस चिड़िया को गुलेल से मार दीजिए। अरे क्या कितनी कमकल लड़की, इसने तो अपना पैराशूट ही फोड़ दिया, तो नीचे गिर रही है, धड़ाम गिर गए और बेचारी मर भी गई। एक ही जगह यहाँ तीन तीन लोग हैं, इसका मतलब तीन तीन आत्मा मिलेंगी, मजा ही आ जाएगा। और ये तो चोर है, इसके पास गन भी है। दोस्तों सूरज की रोशनी को ज्यादा ही फैल रही है, चलो इसको नीचे कर देते हैं और ये सूरज की रोशनी इसकी आंखों में लग जाएगी। अरे तो कहीं भी गोली चला रहा है। और इसने इन दोनों आदमी को भी मार दिया और ये क्या, ये खुद भी मर गया। तीन तीन आत्माएं आ गई हैं। आ जाओ बेबी डॉल। चलो चलते हैं अगले लेवल में। यहाँ तो एक कमजोर बच्चा बॉक्सिंग कर रहा है। अरे पर ये तो हड्डी पहलवान है, इससे तो ये हिल भी नहीं रहा है। चलो जहर वाला इंजेक्शन इस आदमी के लगा देते हैं, मर जाएगा। अरे तो मरने की जगह और ताकतवर हो गया, अब हम लोग इसको कैसे मारेंगे? ये तो ताकतवर हो गया और तेज मारे, और ये क्या, ये तो खुद ही अपने उससे मर गया। ज्यादा ताकतवर होना कितना बेकार है। अच्छा है मैं और मसाओ बहुत कमजोर है ना बंधु मसाओ? नहीं मैं कमजोर नहीं हूँ। ये अगला लेवल और इसमें एक डायनासोर सो रहा है और ये आदमी तो नाच रहा है। पर हम लोग इसको कैसे मारे? ये डायनासोर सो रहा है, हमें इसे जगाना होगा, जब ये जगेगा तो इसको काट लेगा। अरे दोस्तों ये जो जूते हैं ना, वही वाले जूते हैं जो बच्चे पहनते हैं जिसमें चीची आवाज आती है। तो फिर ये जूते उसको पहना देते हैं। अब ये नहीं बचेगा। अरे वो डायनासोर तो जग भी गया। इतना तो पूरा उसका मुंह ही खा लिया। ये डायनासोर तो बहुत खतरनाक था। इस लेवल में कुछ स्टेज परफॉर्मेंस चल रही है। मैं ओरियन। ये अंकल जी क्या गा रहे हैं और ऊपर वो क्या कर रहे हैं? ये तो लाइट सही कर रहे हैं, ये सब पहले करना चाहिए था ना। अरे छोड़ो हमें इनको मारना ही तो है। अरे दोस्तों इनके हाथ में गिटार पकड़ा के देखते हैं। अरे भाई स्पीकर से तो बहुत तेज गाना बजने लगा और ऊपर वाला नीचे वाले आदमी पे गिर गया।
और ये भी मर गया। अरे वाह, बाबा जी को दो दो आत्मा मिलेंगी। ले गई ये भी दो दो आत्मा। दोस्तों हम लोग अगले लेवल में किसी सर्कस में आ गए। पर इसमें हम लोग इसका मारे कैसे? अरे इतनी पतली रस्सी में चल रहा है, इसको ये पकड़ाते है गिर जाएगा। अरे तो अभी भी चल पा रहा है। अरे तो नीचे आ गया। अरे तो चल गया। अरे कहाँ चला गया बाबा, आत्मा कैसे लाएंगे? अब हमें अपनी आत्मा देनी होगी। रोना गाना बंद करो, वो नीचे गिर गया है। अरे ये अंकल जी बिल्डिंग के बाहर क्यों लटक रहे हैं? चलो हमारा काम तो आसानी हो गया, हम लोग इनको नीचे गिरा के मार डालेंगे। अंकल जी मोबाइल चलाइए और गिर जाइए। लेकिन दोस्तों यहाँ पे अंडे की रखे हैं। अरे मैं समझ गया, ये अंडा उठा के इनके ऊपर रखना है। अरे देखो तुम्हारे अंडा चुरा रहे हैं। अरे चिड़िया ने तो इनको नीचे गिरा दिया। अरे ये क्या आत्मा तो जा रही है, जल्दी इसको रोको। अरे हम लोग बच गए, छो बाबा आ गए। ये है अगला लेवल और मुझे लग रहा है कि इसको मारना बहुत ही आसान होगा क्योंकि ये एक असली बॉम्ब से खेल रहा है। अरे दोस्तों ये तो बॉम्ब उधर फेंक रहा है बार बार। इसने तो फिर से फेंक दिया। ये देखो डॉगी, तुम्हारे मालिक ने वहाँ पर तुम्हारी बॉल फेंकी है, जाओ मालिक को वापस कर दो। अरे डॉगी तो बॉम्ब फेंक के चला गया है। अरे बेटा तो राग बन चुका है और खेलो बॉम्ब से। चलो आ जाओ बेबी डॉल, इसकी आत्मा तुम्हारा इंतजार कर रही है। और इस लेवल में एक अंकल जी अपनी गाड़ी ठीक कर रहे हैं। तो हम लोग शायद गाड़ी स्टार्ट करें तो गाड़ी को कुचल के चली जाए। चलो दोस्तों ये जा रखा है, ये इनके सर पे मारते हैं। मेरी प्यारी प्यारी आंखों ने कुछ देख लिया है वहाँ पर। चलो इन बटन को दबा के देखते हैं। अरे क्या ये मशीन तो खराब हो गई और ये क्या गाड़ी खुद तो खुद आगे चली गई और अंकल जी को चल गए। दोस्तों हम लोगों ने कितने लोगों की जान ली, कहीं कोई हमारी जान न ले ले, कहीं हमें पुलिस न पकड़ ले। सर मेरे रहते हुए तुम्हारा कोई एक बाल भी नहीं नोच सकता। अरे वो सब छोड़ो, देखो हमें सैलरी मिली, हमें 500 रुपए मिले। क्या 300-400 लोग को मारने के लिए सिर्फ 500 रुपए? चलो चलते हैं अगले लेवल में देखते हैं। अरे यहाँ पे तो एक आंटी जी है जिनका बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है। आंटी जी अपने बर्थडे में कोल्ड ड्रिंक नहीं पियेंगे, पीजिए। मुझे लगता है कि ऊपर जो गुब्बारा है उससे कुछ करना है। चलेंगे मुंह में फोड़ देते हैं। और इसमें तो चाकू फंस गया है। अरे बलून फूट गया, आंटी जी के सर में चाकू घुस गया। हैप्पी बर्थडे टू यू। आंटी जी मेरी तरफ से आपके लिए गिफ्ट है। चलो अगले लेवल में चलते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। यहाँ पर तो एक आदमी डांस कर रहा है। अरे साबुन वाला पानी यहाँ पे लगा देते हैं और ये फिसल के गिर जाएगा। गिर गया और ये तो उसमें घुस गया। ये तो बच्चों के लिए लेवल। बाबा जी आत्मा ले जाओ। दोस्तों इस लेवल में जादूगर है जो कि सामने वाले इंसान को कुछ भी बना सकता है। देखो उसने इसको बकरी बना दिया। अरे बकरी कहाँ कुछ कर पाएगी। चलो इसको ये वाली किताब पकड़ाते हैं। अरे एक ऐसे तो कुत्ता बन गया। चलो ये वाली किताब पकड़ाते हैं, देखते हैं इस बुक से क्या बनेगा। मैं घर से डायनासोर बन गया। जल्दी डायनासोर इसको मार डालो। अरे वॉइस नोट उसकी गर्दन निकाले। उसकी आत्मा तो मिली गई। चलो हो गया हमारा काम। अरे इस लेवल में तो अंकल जी टीवी पे डोरेमोन देख रहे हैं। अरे बंद करे डोरेमोन, इतने बड़े हो गए डोरेमोन देखोगे? बंद कर दिया, लेकिन ये तो वापस से टीवी चलाने आ रहे हैं। अरे अंकल जी ये क्या कर रहे हैं? लगता है टीवी फूट जाएगी और अंकल की मौत हो जाएगी। अरे टीवी नहीं फूटी, बोतल गिर गई है। और ये क्या अंकल जी गिर गए और इनके अंदर चाकू घुस गया। आ जाइए मालिक अपनी आत्मा को ले जाइए। चलो चलते हैं अगले लेवल पे। और यहाँ पर एक आदमी फिशिंग कर रहा है और इस नादान से बच्चे को नहीं पता कि जहाँ ये फिशिंग कर रहा है उसके नीचे शार्क है। अरे तो फिर इसकी हुक में शार्क पकड़ा देते हैं। अरे ये शार्क तो ऊपर आ ही नहीं पा रही है। अरे ये क्या, शार्क ने तो इस बच्चे को पानी में गिरा दिया, अब ये डूब के मर जाएगा। ये लो अपनी आत्मा को ले जाओ। अगले लेवल में एक अंकल जी जो कि खाना बना रहे हैं, पर हम उनकी जान कैसे लें? अरे चलो ये आटा इनके हाथों पकड़ा देते हैं। बेबी शायद इनकी हेल्प नहीं करनी है, हमें इन्हें मारना है। ये बेलन उठाते हैं और इनके पैर के पीछे रख देते हैं। वो तो महान है, रोटी से अंकल जी की मौत हो गई। अरे अंकल जी मरे नहीं क्या अभी तक? अरे देखो इनके शरीर से इनकी आत्मा अलग हो चुकी है, बाबा जी अपनी आत्मा ले जाओ। चलो दोस्तों अब अगले लेवल पे चलते हैं। और ये क्या, यहाँ पे अंकल तो खेल रहे हैं बच्चों वाली ट्रैम्पोलिन से। हमें शायद इस खतरनाक चीज से अंकल को मारना है। अंकल जी का थोड़ा उधर खिसकाते हैं, चलो ये उधर रख देते हैं। लगता है अंकल जी इसके ऊपर गिर के ही मर जाएंगे। और ये तो उड़ गया, रुको ये रखते हैं, इससे शायद कुछ होगा, अंकल का घुस जाएगा। अरे तोड़ गया, ये क्यों रह रहे? बाप रे अंकल जी मर गए। अंकल जी की तो अब तक की सबसे बुरी मौत हो गई। इनकी आत्मा तो बहुत छोटी है। और यहाँ पर इस लेवल में क्या हो रहा है? इसमें तो अंकल जी का खजाना मिल गया है, चलो इनको मार देते हैं, खजाना हम चुरा लेंगे। अरे दोस्तों देखो पीछे क्या है, वहाँ पर बर्फ के अंदर ज़ॉम्बी बंद है। चलो आज से इसकी बर्फ पिघला देते हैं, ज़ॉम्बी बाहर आ जाएगा और इनको मार डालेगा। अरे वाह, इसने तो इनको काट लिया। चलो फिर हम खजाना उठा लेते हैं और बाबा जी के लिए आत्मा छोड़ देते हैं। यहाँ पर एक बच्चे बॉल से खेल रहा है। अरे यहाँ पे 3 बॉल दी गई है, चलो इसको दूसरी बॉल देते हैं। ये लो बच्चे इससे खेला, ऊपर से झूमर लगा, इसको अपने पर गिरा लो। मुझे लग रहा है कि इस बॉल से ही कुछ होगा। चलो बच्चे। और बाप रे ये क्या हो रहा है, ये बॉल ही है ना, कुछ और तो नहीं आ रहा है, ये तो खुद ही गिर गया। अरे बच्चे की तो चटनी बन गई रेड वाली। बेबी डॉल थोड़ा जल्दी आया करो वरना आपके बारे में आत्मा लेके चले जाएंगे। ये अगला लेवल और इसमें अंकल जी ऊपर लटक रहे हैं। अरे तो चलो अंकल जी को नीचे गिरा देते हैं। अंकल जी को ये भारी सी बाल्टी पकड़ाते हैं, वो नीचे गिर जाएंगे इस भारी सी बाल्टी को पकड़ के। अरे अंकल जी तो नीचे गिरने वाले हैं। अरे वह गिर गए लेकिन ये तो मरे ही नहीं। अरे ये क्या, ऊपर से इनके ऊपर तो कुछ गिर गया। अंकल जी मर गए। इस लेवल में तो एक आंटी जी पता नहीं क्या नाच रही हैं। अरे आंटी जी ये लीजिए खाना बनाई। अरे वाह आंटी जी तो बनाने जा रही हैं। अरे ये क्या, ये तो ओवन में खाना बनाएंगी। अरे खाना तो बन गया लेकिन इससे कुछ हुआ भी नहीं। अरे दोस्तों मुझे ओवन में आ गया, ये गाना सुन रही है, इनसे कुछ भी अंदर डलवा दो। ये पकड़िए आंटी केतली, इसका भी बना दीजिए कुछ खाना आना। इन्हें तो भी अंदर डाल दिया, अब तो केतली से धमाका होगा। एक दिन नींद में मैंने भी केतली डाल दी थी और सब कुछ दग गया, डोरेमोन भी दग गया। आंटी जी तो पूरी काली हो चुकी है। अपनी आत्मा ले जाओ। ये है अगला लेवल और अंकल एक्सरसाइज कर रहे हैं। अरे अंकल ले लीजिए।
पानी पीजिए, क्या पता पानी में जहर हो। अरे तो पी लिए, कुछ नहीं हुआ। अरे मैं जानता हूँ क्या करना है, पानी को पिलाओ नहीं, पानी को यहाँ डालो। अरे मशीन तो खराब हो गई। और बच्चा उछल के गिर गया और मर भी गया। दोस्तों इस देवल में अंकल को ठंडी लग रही है, तो थोड़ा खाना दे देते हैं इनको। अरे वो खाना नहीं देना, इनको ठंडी लग रही है, यहाँ पे आग जलाओ। बेटा हमें इनकी हेल्प नहीं करनी है, इनको मारना है। अरे आग से तो पूरी बर्फ पिघल गई और एकदम मर गए। तो क्या मसाओ, मारना ही तो था मैंने। अभी अंकल जी मर चुके हैं। दोस्तों इस लेवल में आंटी एक कमरे में सामान रख रही हैं, जो कि बहुत ठंडा है। चलो इनको इसी कमरे में बंद कर देते हैं, ये मर जाएंगी। लेकिन हम इस दरवाजे को बंद कैसे करें? देखो ये पहले फैन चला के। अरे लेकिन तुम लोगों ने पहले क्यों बंद कर दिया? आपकी सही टाइम पे बंद करना। देखो आंटी जा रही हैं, आपकी सही पे बंद करना। मसाओ चुप रहो, मेरा दिमाग मत खराब करो, मैंने बंद कर दिया है। आंटी जी आ रही है लेकिन दरवाजा नहीं खुलेगा। आंटी जी अब आपको भगवान भी नहीं बचा सकते, अब आप बनने वाली है। अरे आंटी जी तो गिर गए। ये बस ले जाइए। दोस्तों ये है अगला लेवल और यहाँ पे सर्कस चल रहा है। जैसे ही ये बुलाता है वैसे ही अंदर घुस जाता है। तो हम इसे कैसे मारे? अरे चुप रहो मसाओ, मुझे समझ में आ गया। देखो बाहर साफ रखा है, अगर हम इसे इस डिब्बे में डाल देंगे। अरे मुझे बोलने दो, वो डिब्बे के अंदर नहीं जा पाएगा और बाहर उसको बुल मार देगा। चलो फिर इसको अंदर रखते हैं। अब तो इसका मरना तय है। अरे ये क्या, तो फिर अंदर घुस गया, अंदर तो साफ था, अरे तो बाहर आ गया, क्या करें? लगता है वो कंफ्यूज हो गया था, छोड़ मर गया। अरे अब हम लोग किसी जू में आ गए हैं। अरे अंकल जी किसी शेर का फोटो खींच रहे हैं। अरे तो बहुत आसान लेवल है, हम लोग अंकल को नीचे गिरा देते हैं शेर के पिंजड़े में और वो मर जाएंगे। अरे मुझे पता है, पत्थर उछालो नारियल गिरेगा, नारियल से लड़के अंकल गिरेंगे, अंकल गिरेंगे शेर खा लेगा। अरे तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो, आज से तुम मेरा गुरु हो, क्या तुम मुझे कोचिंग पढ़ा दोगे? अरे चुप रहो, ये देखो शेर ने अंकल के हाथ पर काट के अलग फेंक दिए। अरे कौन है? लगता है आत्मा कमा कमा के बेबी डॉल बतमीर हो गया है। और उसने अच्छे कपड़े पहन लिए हैं। और हम तो अभी भी गरीब रह गए हैं, अब इससे बुरा क्या ही हो सकता है। अरे लगता है पुलिस हमें पकड़ने आ रही है, वो हमें नहीं छोड़ेगी। जल्दी से आप लोग वीडियो पे 30 के लाइक कर दो और अपना बर्थडे मन कमेंट करो। हम जा रहे हैं, बाय बाय।